गाइस अनलिमिटेड डायमंड्स, हम लोग कहीं भी मारे तो डायमंड के और निकल रहे हैं। व्हाट भाई, ये क्या स्वॉर्ड है? तो अगर मैं इस बंदूक में ये पटाखा फिट कर दूं ऐसे और उसके बाद इसको जलाऊं, तो गाइस यार वो एक्सपेरिमेंट तो वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग माइनक्राफ्ट में ये सब करें। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट को डिफीट, जिसमें भाई हम लोगों को मिलेंगे ऐसे टूल्स जो किसी भी चीज से कंबाइन हुए पड़े भाई। खतरनाक खतरनाक चीज है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई चलते हैं, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 1,00,000 का गोल लगा तुम्हारा भाई। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एकदम ब्रांड न्यू वर्ल्ड में, और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं ना इस वर्ल्ड में खेलने के लिए। भाई तुम लोग सोचो, मतलब कुछ भी ऐसा रैंडम तुम लोगों को मिल सकता है यहाँ पे यार। मतलब तुम समझ लो, तुम लोग किसी भी चीज, हम लोगों को असासिया का विलेज मिल गया आते ही। ओके सर, यार वैसे वहां पर यस गाइस, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे को लगा था हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, बट गाइस हम लोगों को सामने पड़ी हुई भाई मुर्गियां दिख रही है इतनी सारी। एक मिनट रुको, जरा मुझे फटाफट से एक एक्स बनानी पड़ेगी और इनको दोस्त बनाना पड़ेगा अपना। आ जाओ मेरी मुर्गी। अरे यार फेदर दो ना। अरे बड़ी बदतमीज मुर्गियां है यार, तू ही दे दे दो। चलो यार बढ़िया, दोस्त ने दो फेदर ही दे दिए भाई। भाई ये सही है यार, भाई तीन बायोम एक जगह पे मिल रहे, लाइक लिटरली देखो प्लेन्स भी है यहाँ पर, अपना डेजर्ट भी है, और ये अपना सवाना बायोम भी है, और खाने पीने की भी कमी नहीं है ब्रो। तो गाइस मेरे को दो मिनट दो, मैं फटाफट से पूरी की पूरी विलेज को लूटता हूँ, और देखते हैं यहाँ पर से अगर हमें कुछ काम की चीज मिल सके जिससे हम लोग अपना पहला टूल बना सके, जिससे हम लोग तुम समझ रहे हो ना भाई, बहुत अटपटी चीजें बनाने वाले। आई होप यहाँ पर एक गोलम हुआ भाई, ये नेक्स्ट लेवल जगह है भाई, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ क्रेजी है भाई, एक बार देख रहे हो तुम लोग। आयरन भी बगल में मिल गया भाई, आई लव दिस प्लेस यार। तो गाइज हम लोगों को एक आयरन गोलम भी मिला हुआ है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना भैया से पंगे नहीं लेते हैं, अभी हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, तो इनसे अभी पंगे लेते हैं, पहले बिल्डिंग ब्लॉक जमा करते हैं, और उसके बाद बोलेंगे हेमलम गोलम भैया हमको मारो आओ। ओके सेफर साइड, चार ब्लॉक और अब पट से। ओके तो गाइज मेरी एक्स भी टूट गई, लेकिन हम लोग कितना मिला, तीन, ठीक है काम चला लेंगे। ठीक है तो एक चीज बढ़िया है गाइज, मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत ट्रेड लेता हूँ, और इन विलेजर से ना थोड़े एमरल्ड निकालता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को एक टूल बनाने के लिए एमरल्ड की भी जरूरत पड़ेगी, और एक वाटर बकेट भी बना लेंगे। तो मेरे को दो मिनट दो बस, फटाफट से मैं सारा का सारा सामान निकालता हूँ और इन लोगों से ट्रेड करके। एक मिनट, वो विलेजर वही है ना, फार्मर ही है ना भाई, देख लेते हैं अगर ये बाय चांस वीट के बदले दे रहा होगा ना, तो भाई इसको मेरी तरफ से दो पप्पी। अरे वाह यार दोस्त, तीन, और मुझे थोड़ा और चाहिए, मैं आ रहा हूँ ठीक है अभी आई बी बैक। तो गाइज हम लोगों को जितने एमरल्ड चाहिए थे मैंने निकाल दिए, अब देखो हम लोग ना अभी के लिए एक चीज बना सकते हैं, जो कि है फेदर हो, फ्लाइंग हो, मतलब पता नहीं मेरे को एक्चुअली उसका नाम नहीं पता, शायद से फ्लाइंग हो है, फ्लाइंग हो भाई, मेरे को देखना है ये कैसे काम करती है, बट मैं इसको मिसयूज भी नहीं करना चाहता हूँ, तो देखते हैं गाइज हम लोग इसको कहीं, मेरे ख्याल से नाम के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है भाई, फ्लाइंग हो मतलब उड़ाती होगी ना फिर, और क्या ही करेगी। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग हाइट पे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइट जहां पर हम जा सकते हैं मेरे ख्याल से सही है, वहीं से ऊपर से कूदेंगे, पहले ऊपर वाले घर को भी लूट लेंगे और उसी के साथ साथ वहां से कूद भी जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, एक मिनट अगर मैं इस, ओ भाई इससे हम लोग हेलो, ये हो को हम लोग नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, और अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूँ तो। ओके लेट्स डू दिस गाइस, चैन कुली की मैन कुली, उड़ता ही फिरू हवाओं में कहीं। ओके ये खाली 10 सेकंड के लिए हमको उड़ाती है गाइस, अभी आधे एचपी में कैसे कैसे जिंदा हूं मैं।
भाई मैं गधा हूँ भाई, मैं मुझे लगा कि हमें हमेशा के लिए उड़ाएगी भाई, वो आधा एचपी में जिंदा बच गया वो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस देखो मैंने ना थोड़ा बहुत अपने लिए यहाँ पे सामान बना दिया है, रुको जरा यहाँ से बाहर निकल जाते हैं यार। यस गाइस, हे बेल के स्टैक से निकलता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए ना काफी सारा सामान अपने लिए बना दिया है, बट ये अभी किसी काम का नहीं है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ना मैं तुम लोग को एक ट्रिक दिखाता हूँ जिससे कि तुम लोग इजीली बिना अपना आयरन वेस्ट करे भाई अपने लिए वो बना सकते हो। क्या भाई धक्का मुक्की मत करो यार। तो गाइज हो चुकी है गुड मॉर्निंग, चलो इसको जॉब देते हैं। बस देखो इसने ये लिया, ओके तोड़ना पड़ेगा, इसने गलत वो ले लिया, ठीक है। हम लोगों को चाहिए कि ये हमको बकेट ऑफ कॉर्ड दे, ठीक है। तो भाई सुनिए बदतमीजी मत कर, चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो कर देना ब्रो। यस फाइनली गाइज, तो हम लोग को बकेट ऑफ कॉर्ड दे दी। देखो मैंने ऊपर से तुम लोगों को देखा होगा कि मैंने एमरल्ड लिए थे उससे वीट ट्रेड करके, तो आखिरकार मैंने उससे बकेट ऑफ कॉर्ड ले ली, ये रख लेते, ठीक है। तो गाइज चलो यार अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और ढूंढते हैं एक डेजर्ट पिरामिड, डेजर्ट टेम्पल, क्योंकि हम लोगों को ना कैसे भी अगर उसके अंदर हमें थोड़ा सा भी, मेरा मतलब है थोड़ा सा भी अगर टीएनटी मिल गया, जो कि मिलेगा ही, कैसी बात है बता दी। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोगों को टीएनटी मिल गया तो हम लोग अपने लिए पहली पिकैक्स बना सकते हैं जो कि टीएनटी पिकैक्स। वाओ ओके, तो गाइस हम लोगों को एक नई विलेज और भाई यहीं पे डेजर्ट पिरामिड भी मिल गया भाई। प्लीज ब्रो अच्छी अच्छी चीजें देना, जैसे एक स्टैक डायमंड तो नहीं देगा एक स्टैक, बट फिर भी गाइस हम लोगों को लिटरली एक और सवेना विलेज मिल गई है और उसी के बगल में जस्ट भाई एक और पिरामिड मिल गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं एंड लेट्स डू दिस। ओ यार ये भी तो है अपनी बकेट ऑफ गॉड, तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से नीचे। ओ भाई अभी ओके नाइस, इस बार ये ट्रिगर नहीं हुआ ना भाई, थैंक गॉड ब्रो, मेरे को लिटरली लगा कि मैं गिर गया भाई, वो पता नहीं क्या हुआ, हल्का सा कुछ लैग जैसा हुआ और सही हो गया। ओ गोल्डन एप्पल, यस गोल्डन एप्पल का भी काम मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को आगे। तो चलो फटाफट से एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर जितने भी टीएनटी रखे हुए ना सारे टीएनटी ले लेते हैं, लाइक सारों की जरूरत है, बट हाँ थोड़ा ड्रैगन को मारने में भी काम आ जाएगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से ऊपर को, मेरे पास ठीक है मेरे को यही वाले ब्लॉक्स यूज करने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ पर से और बनाते हैं अपना एक्चुअली पहला बन चुका है, बनाते हैं अपना दूसरा टूल। तो गाइस चलो बनाते हैं अपना पहला, एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों बार बार पहला कर रहा हूं, मैं फ्लाइंग को गिन ही नहीं रहा हूं, वो लिटरली इतनी जल्दी शुरू और खत्म हुई है ना। तो गाइस ये हो गया हमारा दूसरा टूल जो कि एक्सप्लोसिव पिकैक्स। भाई मेरे को देखना है लिटरली ये क्या करती है, और आई होप इसने मेरा आयरन यूज किया है तो ये आयरन की पिकैक्स जैसा काम करे, पता नहीं वैसे 5 damage। हाँ ओ यस ये आयरन की पिकैक्स जैसा काम भी कर रही है। अब हम लोग एक काम करते हैं भाई, थोड़ी सी इससे ना माइनिंग करके देखते हैं भाई। ओ भाई हेलो भाई, कुछ लेके आना पड़ेगा। ओ भाई मेरे को डैमेज भी नहीं आ रहा है, ओके थोड़ा थोड़ा आ रहा है शायद से, नहीं बिल्कुल भी डैमेज नहीं आ रहा है। व्हाट गाइस इससे मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा, और जिसका भी घर तोड़ा है आई एम सॉरी दोस्त, गलती से टूट गया। तुम सोचो इससे हम लोग लिटरली 2 मिनट में इतना आयरन ले लेंगे भाई कि हम लोग ओ भाई पूरा आर्मर बना सकते हैं। तो चलो गाइस कोई रवीन या फिर कुछ ढूंढते हैं, 2 मिनट का काम है अपना। तो गाइस ये मेरे को लग रहा है कि ये कहीं तो ले जा रहा है। ओ ओके कोल भी है, नाइस, मतलब ऐसा कुछ कोल ऐसा कूल नहीं है लेकिन फिर भी ना थोड़ा ओए 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 मेरा फूड जा रहा है। अरे यस गाइस रुको, हम लोगों का एचपी कम है ना, ये देखो भाई हमारा अगला टूल लिटरली एचपी बढ़ाने के ही काम आता है। तो चलो इसको करते हैं फटाफट से, हमें चाहिए होगी बस थोड़ी सी स्टिक्स, इन स्टिक्स के ऊपर हम लोग रखेंगे अपना गोल्डन एप्पल, मजाक से हटके लिटरली डंडे के ऊपर गोल्डन एप्पल रख के हीलिंग शवल। ये देख रहे हो मेरे हाथ में, देखो एक बारी लिटरली ये डंडे के ऊपर बस एक वो है क्या कहते हैं गोल्डन एप्पल और इसको शवल बोल रहे हैं। अब मेरी एचपी देखो भाई, देख रहे हो तुम, लिटरली सिर्फ एक जगह खोदोगे तो तुम्हें 2 HP 2 heart मिलते सीधे। तो गाइज मैं काफी हाइट पर आ चुका हूं, अब देखते हैं यहां पर से अगर हम गिरते और एचपी कम होती है और उसके बाद हम लोग अपनी ये हीलिंग शवल को यूज करेंगे तो क्या होगा। ओके देखो मेरे गाइस लैपी, ओके एक मिनट लैपिस का क्या काम है, यस बट हम लोगों को रेडस्टोन चाहिए था भाई। एक बार देखो मेरी जेब में भाई, मैंने लिटरली 52 आयरन और जमा कर दिए और मुझे मुश्किल से भाई 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। ओके 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 नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं अरे नहीं अरे रे
भाई थोड़ा लावा के आसपास इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा, बाकी सब एकदम कूल है और मेरे पास सासिया प्लैंक है वैसे। ओके हो सकता है गाइस हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक डिस्पेंसर, तो हम लोगों को चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक ये बो, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसी कूल चीज बनाने वाले ना, तुम लोग देखते रह जाओगे भाई। देखो हम लोगों को ये रखना है ऐसे और सिर्फ एक रेडस्टोन, तो ये हमारा डिस्पेंसर बन गया, ठीक है। डिस्पेंसर को रखना है यहाँ पर, इसको रखना है यहाँ पर और शायद से जाएगी स्टिक यहाँ पर, और हमारी मल्टीप्लीकेशन स्वॉर्ड बन चुकी है गाइस। मजाक से हट के भाई, मल्टीप्लीकेशन स्वॉर्ड। अब देखो इसका काम क्या है, कितनी खतरनाक स्वॉर्ड है, बस देखो, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई भी मॉब या फिर कुछ भी मिलता है तो हम लोग उसको लिटरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको और यूज कर सके। मेरे पास जितना भी ये क्या कहते हैं आयरन पड़ा हुआ है, मैं इसको स्मेल्टिंग में लगाता हूँ। यार मेरे को 2 मिनट देना, फटाफट से मिलते हैं अभी। तो गाइज मैंने अपना पूरा का पूरा आर्मर यहाँ पे बना दिया है। और एक और चीज देखो, मेरे पास ना बहुत सारा आयरन तब भी बच गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा अगला टूल है ना, हम लोग उसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत कर देते हैं। यहाँ पे कोई मॉब है, यस ये देखो गाइज, ठीक है। तो ये मकड़ी है और ये लावा में मैं मल्टीप्लाई करने, ओ आगे आगे एक और आगे, एक और आगे, रुको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अरे अरे थोड़ी देर जिंदा तो रहो यार, ताकि मल्टीप्लाई कर सकूँ। तुम तो अलग ही भाई, पता नहीं कौन सी हाउस में चल रहे हैं लोग। तो देखो गाइस मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ओ लाइट चले गई, रुको ये देखो। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ओ भाई, ओ भाई भागो भागो, ओ मर गया था अभी, देखो कितने लोग। भाई इससे ठीक है, एरो फेरो तो मिल जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट ये बहुत डेंजरस चीज भी है अगर तुम सोच। भाई मैं कुछ हो गया था, मेरे को डायमंड कड़े बगल में, भाई तुम सोचो ये देखो। ओके ये कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर अपने आपको दबा लेते हैं। भाई ये देखो एक बारी ये, और ये देखो जो आ रहे ना, इनको मैं और मल्टीप्लाई करते रहूं तो भाई ये क्या हो रहा है, एक बार देखो यहां क्या हो रहा है। मैंने कर तो दिया, अब मैं यहां से निकलूंगा कैसे दोस्त। ओके गाइस फॉलो मी, ओके फॉलो मी, आई एम योर लीडर, ओके फॉलो मी। रुको गाइस इन लोगों को सबको लावा में लेके जाता हूं, रुको जरा, वो देखो, ओके भाई भीड़ हो गई भाई, धक्का मुक्की सब हो गई भाई। तो गाइस कैसे ना कैसे करके मैं इन लोगों से निकल तो गया, और मैं फिर से वही स्वर्ड से मारने वाला था जिससे मल्टीप्लाई होता है। मैं इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता हूँ भाई। तो ये स्वर्ड का काम तो आएगा गाइस, लेकिन तभी जब हमें कुछ ऐसा क्रेजी, समझ रहे हो तुम लोग, मिलेगा। एक बार ये काम करते ना, इस स्वर्ड को यूज करके देखते हैं किसी चीज पे, जैसे कि ये वाला जो रेडस्टोन ब्लॉक है इसके ऊपर यूज करके देखते हैं क्या ये ओर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। भाई मेरी आंखें खराब है, ये क्या सीन है। ओए एक मिनट, पहले मेरी एचपी कम है गाइस, पहले सबसे पहले मेरे को, ओ व्हाट ये यहां नहीं था ना गाइस, ये स्वॉर्ड शायद से यस ओर्स को भी मल्टीप्लाई कर रही है। पहले तो यार मुझे सबसे पहले अपनी एचपी पे काम करना होगा। तो गाइस देखो, खाने पीने से एचपी नहीं बढ़ती है गाइस, ठीक है। जिसको पता नहीं है, अगर तुम इस वर्ल्ड में हो तो खाने पीने से एचपी नहीं बढ़ती है, एचपी ऐसे बढ़ती है, ये देखो वाह इंस्टेंट एचपी, इंस्टेंट। तो गाइस चलो अब यार इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग खोद, अरे यार अंधेरा नहीं करना दोस्त, ये सिर्फ एक ही, ओके ठीक है, बहुत सारे डायमंड है। तो गाइस देखते हैं अगर हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन स्वॉर्ड से भाई इस आयरन ओर को और मल्टीप्लाई कर सके। भाई हम लोग लिटरली अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ इस वर्ल्ड में और हम लोग अपना फुल्ली इसका डायमंड का वो बना लेंगे भाई। ओ मैंने अपनी आयरन पिक एक्चुअली है मेरे पास, ठीक है। देखो गाइस रेडी, चलो देखते हैं। हे भगवान प्लीज यार, प्लीज कर देना, प्लीज कर देना, प्लीज कर देना। हुआ ही नहीं कहीं पे भी, कहाँ है, कहीं नहीं आए। व्हाट हाँ हाँ, ओ भाई गाइस अनलिमिटेड डायमंड्स, हम लोग कहीं भी मारे तो डायमंड के और निकल रहे हैं। व्हाट भाई ये क्या स्वॉर्ड है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स निकाल दिए हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा ही डायमंड मल्टीप्लाई कर दिया। और मेरे पास ना पिकैक्स नहीं थी, आयरन की लाइक है बट मुझे पता नहीं कि एक्सप्लोजिव पिकैक्स है, एक्चुअली डायमंड पे क्या होगा पता चला, डायमंड निकल गया और निकल गया तो फायदा नहीं है ना, और से मैं क्या करूँगा। देखो ये देखो, ओके एक मिनट, ओ इससे भी डायमंड ही निकल रहा है, वाओ ये तो जादू है दोस्त। लेकिन एक काम करते हैं अभी के लिए नॉर्मल। भाई हेलो भाई, इस स्वॉर्ड ने एक्चुअली, मैं ऊपर ऊपर मारता मेरे को लगा ऊपर ही ऊपर दे रहा है, बट इस स्वॉर्ड ने एक्चुअली नीचे तक का डायमंड भर दिए। तो गाइज मैंने फाइनली सारा का सारा डायमंड निकाल दिया, एक्चुअली मैंने सारा का सारा भी निकाला। सच्ची बताओ तो अगर मैं जमीन खोदूंगा तो कहीं ना कहीं पे और डायमंड निकल ही जाएगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा क्रेजी है भाई, ये रेप्लिकेशन वाली स्वॉर्ड। तुम लोग देख रहे हो, मतलब तुम्हें बस मारना है भाई, ये देखो ये वो कहीं भी कुछ भी ब्लॉक आ जा रहा है भाई, तुम्हें बस मारना है, तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा भाई, कुछ भी। ओके एक मिनट, तो क्या मैं, ओके क्रीपर पार्टी है री रे, क्रीपर पार्टी है। ओके भाई भागो यहां से पता नहीं मुझे क्यों मजा आ रहा है लोगों को एप्लीकेट करने में। ओके सॉरी गाइस, ओके गाइस बदतमीजी नहीं करो, बाय बाय दोस्त। भाई मैं गधा हूँ, भाई मैं गधा हूँ, ओ भाई अभी उस क्रीपर को मारने के चक्कर में मैं मर जाता भाई, ओ भाई उस मैं गधा हूँ यार, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं गधा ही हूँ यार। एक काम करते गाइस, पहले यहाँ पे लाइट लगा लेते थोड़ी सी, और उसके बाद गाइस अपने लिए पूरा का पूरा डायमंड का सेट बनाता है तुम्हारा भाई। मुझे तो दो मिनट और जरा एक मिनट यार गरीबों का सामान हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं गाइस, अभी के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, या फिर मैं ढूंढता हूँ थोड़े बहुत स्केलेटन और निकालते हैं एरोस, क्योंकि हम लोगों को ना, अरे यार ओके, हम लोगों को ना गाइस उन लोगों को मारने के लिए यार चाहिए होगा, लाइक जब मैं ड्रैगन को मारने जाऊंगा मुझे थोड़े बहुत एरोस चाहिए, तो मेरे को तो थोड़ा सा टाइम, मैं फटाफट से निकाल के लेकर, अरे नहीं 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 सुन सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाइस बाहर तो गाइस एक मिनट, मतलब कि मैं, हेलो मतलब मैं एक ही मुर्गी से भाई कितना भी फार्म कर सकता हूँ, ये कितना कूल है। रुको जरा, पहले मेरे को एक बेड लगाना पड़ेगा ताकि ये सुबह कर दूं मैं भाई, वरना ये लोग ना मेरा खून चूस देंगे भाई। भाई मैं इसका मतलब कितनी भी भाई फ्लाइंग होर्स बना सकता हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी मुर्गियों को मार सकता हूँ यार, इट इज अनलिमिटेड। तो गाइस फाइनली हम लोगों के पास 35 फेदर्स हो गए भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया ये, और मेरे ख्याल से इतने होज मैं रख भी नहीं पाऊंगा अपने पास। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस सिक्योरिटी के लिए 3 फ्लाइंग होज रख रहा हूँ अपने पास, और बाकी का हम लोग फेदर वेदर अभी के लिए रख लेते जेब में, क्या पता कब काम आ जाए। तो ये सब तो हो गया, थोड़ा डर्ट वर्ट फेंक देते भाई, मेरी जेब में कूड़ा बहुत है यार, और मेरे को अपना बेड भी लेना है वापस से। तो गाइस मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी ज्यादा सामान जमा कर लिया, और भाई हम लोगों के पास देख रहे हो तुम लोग एक बार ही, ये देखो अगर मैं इसको हटा दो तो हम लोग 1, 2, 3, 4 टाइप के ऐसे टूल्स है जो भाई एकदम क्रेजी काम कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों को 2 और टूल्स बनाने हैं इसी वर्ल्ड में, जिसमें से एक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और दूसरा भी ऐसा कुछ कम नहीं है। तो गाइज हम लोग एक टूल अभी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी वाटर बकेट्स बनाई थी। तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को भाई, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, और मेरे ख्याल से हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सारी की सारी जैसे ही हम लोग ये करेंगे। गेट रेडी फॉर दिस, देखो ये करना है वाटर, अरे यार मेरी एक वाटर बकेट फिल्ड ही नहीं है, तो ये हमने किया। अब देखो गाइस कितनी खतरनाक चीज है ये, तुम लोगों को अभी पता चलने वाला है। 1, 2, 3 MLG X, बिल्कुल सही। अब हमें हमारी एक्स की जरूरत ही, मैंने पता नहीं क्यों अपने डायमंड वेस्ट कर दिए, अब हमें हमारी एक्स की जरूरत नहीं है। तो गाइस मेरे को जो लग रहा है कि अगर मैं इससे किसी को मारूं, इस एक्स से मैं किसी को मारूं, तो वो हवा में उड़ते हुए फिर आके MLG करेगा, आई थिंक सो भाई, जो दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगने वाला है। तो चलो घोड़े को MLG करवा के देखते हैं। हैं? ये आसमान में उड़ा था क्या? गाइज इससे पता चल गया कि घोड़े को MLG करनी नहीं आती। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं लावा पूल पर, और यस मेरे पास फ्लिंट भी है और मेरे पास स्टील भी है। इस बारी में दोनों में से कुछ भी नहीं भूला हूं, क्योंकि मैं हो गया हूं समझदार, ठीक है, मैं हो गया हूं बहुत समझदार।
तो गाइज अपना पोर्टल हो चुका है रेडी, अब हमें बस फ्लिंट एंड स्टील लेनी है हाथ में और ब्रम ब्रिम ब्रम देयर वी गो गाइस। चलो चलते हैं फटाफट से भाई, हम लोगों के पास लाइक लिटरली सामान की कमी नहीं है जो हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है। और एक मिनट ये कर देते हैं। ओ व्हाट किस्मत ब्रो गाइस, हम लोगों को लिटरली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये देखो अब रेडी, प्लीज एक साथ में बताना सारे के सारे आई लव यू थैंक यू। ओके ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बस भागना है। और ये देखो तुम समझ रहे हो, हमें बस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एमएलजी वाली एक्स से मारना, वो खुद ऊपर से गिर गिर के मरेंगे। गेट रेडी फॉर दिस गाइस, देयर वी गो, अब पीछे जाओ काम कर रहा है। तो गाइज हम लोग यार लपट लुपट के कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने जमा तो कर दिया है। और यार शिट यार मैंने डर्ट की फेंकी यार, ओ ये है ना डर्ट अभी भी। ओके तो गाइज मैंने लपट लुपट के कैसे भी गाइज जमा कर दिया है सारा का सारा एंडर पर्ल। और इनकी आंखों में अब नहीं देखना है क्योंकि मैं लिटरली जस्ट मरने वाला भाई, मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा था, मैंने अपनी HP पे ध्यान भी नहीं दिया थोड़ा सा भी। और अभी तो अपनी हीलिंग हम लोग इससे शवल से 2 मिनट में सारा जमा कर लेंगे। वो थोड़ा बहुत और रुको जरा रुको जरा, ये भी उठा लेते ना भाई, किसको पता कब काम आ जाए, तुम्हें नहीं पता ना कभी भी कब क्या चीज काम आ जाए तुम्हारे एकदम से। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और ढूंढते हैं जल्दी से एक नेदर फोर्ट्रेस। ठीक है ब्रो मिलते हैं, ठीक है। अरे तू कहाँ चले गया, वो भाई की तो सही चीज है भाई, करेक्ट ब्लेज पॉइंट पे। गाइस ये टाइम है फ्लाइंग हो का इस्तेमाल करने का, गेट रेडी बॉयज इट्स टाइम टू फ्लाई। ना 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 ये देख रहे हो तुम लोग, वो 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 अरे रुक जा भाई, ओए ओए एफर ओए। ओके मल्टीप्लाई देन वो, अरे एक मिनट यार ये लोग उड़ सकते हैं, अरे इनको इससे नहीं मार सकता मैं। अच्छा मैंने देख लिया, ओके नहीं 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 सॉरी सॉरी, अरे सॉरी बोला यार दोस्त, ऐसा मत कर यार। ओके गाइस हम लोग को अपनी पहली, ओके मेरे को लिटरली लगा पे विदर स्केलेटन ना करो। गाइस मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है, मेरे को ना इसको ऊपर से ढकना पड़ेगा जल्दी ताकि ये लोग यहाँ से निकल ना पाए। और उसके बाद जल्दी से जल्दी जितनी ज्यादा ब्लेज रॉड हो सकती है उतनी ज्यादा ब्लेज रॉड जमा भी करनी पड़ेगी, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं ये सब कर सकूं। आगे 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 भागो 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 भागो। ओके और मुझे यहाँ पर हमारा हीलिंग स्टेशन भी बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ नीचे आएंगे मैं फटाफट से अपना ये निकालूंगा, इसको 4 पे कर देते हैं, मैं फटाफट से ये निकालूंगा, एक हील मारी चलते बने। तो गाइस थोड़ा सा टाइम दो फटाफट से आता हूँ मैं। तो गाइस मेरे पास 8 तो हो चुकी है, ठीक है मेरे को एक बस इस वाली को मार देते हैं। और ठीक है तो दोस्त ये ले तेरे लिए, मैंने तेरे बहुत सारे दोस्त मारे, ये ले ऐश कर भागो अपना यहाँ पर हील हो जाए। भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नहीं सॉरी 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 भागो भागो। ओ भाई मैंने जल्दीबाजी में बहुत बड़ी गलतियां कर दी गाइस, बस जल्दी ओ ओ अभी लावा के इफेक्ट से मर जाता है अगर हमारे पास ये हीलिंग वॉन्ड नहीं होती। भाई भाई अगर ये हीलिंग शवल नहीं होती अभी हम लोग लावा से मर जाते। और पता नहीं भाई मैंने क्यों गधे बनती में उतने सारे बुला दिए वो, और वो देख रहा है अभी भी मेरे को। भाई क्या किस्मत चल रही है आज मेरी, ये वाला भी ले। एक मिनट यार हेलो, मल्टीप्लिकेशन स्वॉर्ड का जादू देखें क्या एक बार। ओ भाई गाइस आई थिंक ये मेरा पहला माइनक्राफ्ट बट होने वाला है। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी भाई ज्यादा ही बुला दिए, पहले ये तोड़ लेते हैं। गाइस आई थिंक ये मेरा पहला माइनक्राफ्ट बट होने वाला है जिसमें मैं डेब्रिस आर्मर से लड़ने वाला हूँ ड्रैगन से, लाइक नेदरराइट आर्मर।
तो गाइज मैंने लिटरली ब्रो 23 ले लिए और मेरे हाथ में दर्द हो रही है अब यहाँ पर और तोड़ तोड़ के, तो मैं इनको नहीं लेके जा रहा हूँ, और लेकिन किसी एक बंदे के लिए डुप्लीकेट जरूर कर दूंगा ढेर सारे, ठीक है? तो जिसको भी ले जाने होंगे गाइज यहाँ से ले जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ वापस ओवरवर्ल्ड में, भाई ड्रैगन भी तो पहनना है यार, चलो चलते हैं। तो गाइज हम लोगों का जितना भी डेब्रिस है मैंने लगा, एक्चुअली हो भी गया, वाओ। तो भाई मैंने सोचा कि गोल्ड, यार मैंने लास्ट टाइम तो गोल्ड का और रखा था, पर 5 गोल्ड में काम नहीं हो पाएगा गाइस, तो हम लोगों को यार थोड़ा गोल्ड भी रेप्लीकेट करना, भाई लिटरली तुम लोग बस एक ओवर लेके आओ और उसको जितना रेप्लीकेट करना है करो भाई, देखो एक बार। तो गाइस हम लोग सारा का सारा सामान हम लोगों ने तैयार कर दिया है, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बनानी है एक प्यारी सी स्मिथिंग टेबल, और उस स्मिथिंग टेबल पे रखना है अपना पूरा का पूरा आर्मर। रुको जरा, ये पहली लेयर का सारा सामान यहाँ छोड़ देते थोड़ी देर के लिए और अपना आर्मर उतार लेते हैं। गाइस लेट्स गो भाई, ये मेरा पहला माइनक्राफ्ट बटा है, मजाक भी नहीं कर रहा हूं। और शायद से मैंने जल्दीबाजी का काम शैतान का दोस्त, देयर वी गो। तो गाइस हम लोगों ने एक मिनट, इसका मतलब मैं बना सकता था, व्हाट, मेरा ध्यान कहाँ है, ये मेरा हीरो इधर है। मैं तभी सोचूं मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता रे, मैंने 2 चक्कर लगा दिए, इतना समझदार आदमी हूँ मैं। चलो फिर अब बच रहा है तो थोड़ा सा पिकैक्स भी बना ही देते हैं नेदरराइट की। गाइस देयर वी गो, हम लोगों का सारा सामान लिटरली यहाँ पर बन चुका है भाई। भाई मैं लिटरली MLG करवाना चाहता हूँ भाई उसको, क्या कहते हैं एंडर ड्रैगन को, और MLG छोड़ो ओए। गाइस अगर ये रेप्लिकेट करती है स्वर्ड, मतलब मल्टीप्लिकेट करती है, तो अगर मैं ड्रैगन को मारूंगा तो क्या ड्रैगन भी ढेर सारे निकल जाएंगे? भाई चलो यार फटाफट से चलते और देखते हैं इस चीज को, मेरे को सच्ची बता रहा हूं, मेरे को अब हो रहा है कि फटाफट चलो। अरे नहीं यार ये क्या, चलो वो ओके गाइस शायद से हम लोग पहुंच गए, और मेरे पास सिर्फ 13 बची हुई, मेरी 2 एंडर आइस तो टूट गई और एक तो लावा में ही चले गई थी। तो गाइस हम लोग शायद से यहीं कहीं पर है यार वो, क्योंकि मैं यहीं से तो आया हूँ, जस्ट मतलब ऐसे आया हूँ, बट फिर भी गाइस वो इसी माउंटेन में है यार, वो गारंटीड इसी माउंटेन में है, लेकिन मेरा भाई 12 से ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता दोस्त, तो प्लीज़ आई होप यहीं हो, इससे ज़्यादा कहीं गया गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और रात भी हो रही है। तो चलो गाइस चलो, ओ भाई ओ सिल्वर फिश, अरे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ भाई। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार एक तो ये सिल्वर फिश है भाई यार, इतनी सारी आ गई, बस बढ़िया बच गए। ओ भाई गाइस हम लोग पहुंच गए, ओ ये तो है भाई, मैं क्या गधा हूँ यार, मेरे को इसको अपनी फर्स्ट से हटाना पड़ेगा रे, मैं इसको निकाल के फटाफट मारने लग जा रहा हूँ और वो मल्टीप्लाई कर दे रहे उनको, अभी ये सिल्वर फिश ही मार देती मेरे को। अरे भाई 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 यहाँ पर और सिल्वर फिश आ रही है, इसका मतलब समझ लो कि हम लोग, अरे ओए 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 ओ यस, अरे यार रुको रुको इससे नहीं, इससे तोड़ेंगे, नाइस है, आ जाओ। अरे यार भाई ज्यादा नहीं हो रहा ये, मेरे को ये स्वॉर्ड अपने फर्स्ट से हटानी पड़ेगी गाइस। चलो गाइस इट्स टाइम, ओ यस देयर वी गो गाइस, एंड में करेंगे मजे, बट उससे पहले जरा एक टूल और बना लूं। गाइस गेट रेडी फॉर दिस, यार ये टूल कायदे से मैंने पहले बना लेना चाहिए था, मैं कितना बेवकूफ हूँ यार। देखो ये रखना है ऐसे, और उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग रखी हुई थी वो रखनी है ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टेलीपोर्टेशन बो, तो कहने का मतलब ये हमें टेलीपोर्ट कराएगा। और एक मिनट यार इसको नहीं फेंकते हैं, क्योंकि ये टेलीपोर्ट करवाएगा ना हमें इधर से उधर, तो हम लोग ड्रैगन से जल्दी जल्दी इधर उधर भाग सकते हैं, बट हमें एक्चुअल में मारने के लिए तो प्रॉपर बो चाहिए होगा, ये हम लोग फेंक सकते हैं अब। तो हम लोग के पास 2 बो हो चुके हैं गाइस, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो लेट्स डू दिस, एक बार ट्राई कर लेते इसको। ओ भाई ये कितना एक्यूरेट है यार, जहां एरो गिर रहा है करेक्ट वहीं लेके जा रहा है। तो गाइज मैंने अपनी इन्वेंट्री पूरी की पूरी खाली कर दी है, मैंने बस ऐसे रखा हुआ है कि जल्दी जल्दी हम लोग जाके ड्रैगन को बेल सके। तो गाइज लेट्स डू दिस, एंड ड्रैगन में आ रहा हूँ भाई। ओके ठीक है ये बंद वाला मिल गया ना, अरे यार एक मिनट तोड़ो, मैं हैक कर पूरा का पूरा।
मैं सही तोड़ रहा ना। हाँ देयर वी गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं, अब जाने का टाइम है ऊपर। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीधे जाते ही ना जैसे ही वो पर्च करेगा ना ट्रैक, ओ भाई कितना दिमागदार है ये, इतना ज्यादा ऊपर उड़ रहा है कि वो टीपी मार दे रहा है। एंड ओके ठीक है, बहुत ज्यादा अभी दिमाग नहीं है। ओके तो गाइज मैंने लास्ट एंड क्रिस्टल भी तोड़ दिया भाई, ये सबसे हार्ड था, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक मेरे पास एरोस, ओ मेरे पास तीन एरोस बचे। ड्रैगन तेरी आज खैर नहीं, नीचे आजा ड्रैगन, एक बारी आजा, मुखड़ा दिखा जा ड्रैगना, ओ ड्रैगना, ओ ड्रैगना, ओ आ रहा है, व्हाट आ रहा है क्या सही में? नहीं ओके नहीं आ रहा है, मेरे को लगा आ रहा है यार। तो गाइज ये ड्रैगन नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत पहले बेड वाली टेक्निक से लो करेंगे और उसके बाद इसको मारेंगे हम लोग। गेट रेडी गाइस, ओके अब हमें एक मिनट, रेप्लिकेशन स्वॉर्ड। ओके नहीं गाइस नहीं यार, ड्रैगन को यू कैन नॉट रेप्लिकेट भाई, लेकिन फेदर एमएलजी ओपी भाई, लेट्स गो। राउंड टू के लिए हम लोग टीएनटी निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसकी आधी से तो कम एचपी कर ही दिए। अरे यार ये आ गया ना, शिट यार, ओ मैंने फ्लिंटन, रुक गया। अरे यार नहीं, ओ ये फट गए, व्हाट खुद से फट गए, ओ ड्रैगन ब्रेथ से ये भी फट जाते क्या? ओके अरे यार आने नहीं देगा, ओके गाइस ड्रैगन मेरे से डर रहा है और भाग रहा है इधर उधर, तुम्हें पता है ये बात, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास है सुपर टूल्स भाई। ड्रैगन मेरे से लिटरली डर के भाग रहा है, क्यों? सही बोला ना ड्रैगन, दम है तो नीचे आना, बताता हूँ तेरे को मैं। ड्रैगन नीचे आ रहा है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है लगता। अरे यार इसने चारों तरफ थूक गिरा रखा है, बहुत चंट ड्रैगन है ये भाई, गॉड जो हम लोगों को एक तरीके से। अरे यार तुम आ जाओ यार, इतनी मुश्किल से तो वो नीचे आता तुम। ओ एक मिनट, अगर मैं एमएलजी से मारूं तो ड्रैगन को? ओके ड्रैगन मेरा एमएलजी करवा देगा अगर ड्रैगन को एमएलजी से मारूं तो। ओके ड्रैगन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है एमएलजी से, ठीक है, और लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो मेरी एचपी कम है, फटाफट से हील मारते हैं भाई। ये हीलिंग शॉवल क्या मस्त चीज है, भाई 1.5 HP मेरे को लगा मैं मर गया भाई, मेरे को लगा मैं। अरे यार तुम भैया यार, तुम बदतमीजी कर लो अलग यार, अब ये मुझे मार देगा एंड में। एंडरमैन से मर गया है ड्रैगन को फेल के, मतलब क्या किस्मत है मेरी। तो गाइस यार ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा भाई, मेरे को तो हद से ज्यादा मजा आया भाई, इतने ज्यादा कूल और पावरफुल टूल्स भाई। एंड में यार मैं ज़्यादा ही खुश हो गया और वो एंडर ड्रैगन आके मेरे को लपेट गया, बट फिर भी भाई हम लोगों ने लिटरली उड़ते उड़ते मारा एंड में एंडर ड्रैगन को 1.5 HP में भाई, वो बहुत ज़्यादा कूल था। आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे को बताना आपका फेवरेट टूल कौन सा था जो आपको सबसे मस्त लगा, और सेकेंड जो आपका लाइक वर्स्ट टूल था, एकदम यूजलेस टूल था, वो वाला बताना दोनों कॉमेंट में। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you guys enjoyed. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।